लोकतंत्र में संविधानिक कुर्सियों पे संविधान की शपथ लेके आप लोग सब लोग सुन लो। देश के सभी प्रदेशों में जिलों का जिला कार्यालयों पे और विधानसभा कार्यालयों पे हम अपने ज्ञापन देंगे और एक बड़ा आंदोलन जो है उनके लिए खड़ा करेंगे जिससे कि हमें न्याय मिल सके। हमारी डिमांड है कुछ वो हमारे ज्ञापन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि जिला ये हमारी जो है समाचार ये न्यूज एसोसिएशन जो भी है वो हमारे पत्रकार बंधु इसको गंभीरता से ध्यान दे, इसको उसको छापे जिससे कि हमारे लोगों में एक सकारात्मक माहौल मीडिया के पक्ष में बन सके कि मीडिया हमारी कमजोर तबके की आवाज़ को बहुत जिम्मेदार से उठाता है। धन्यवाद। देखिए वो अपनी राजनीति को सीधा करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, वो धार्मिक मुद्दों पे लड़ते हैं, देश के जो गंभीर मुद्दे हैं उनको उनसे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो सब चीज़ें करते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हनुमान जी दलित थे तो मेरे हिसाब से देश के दलित समाज को चाहिए कि जितने भी हनुमान जी के मंदिर हैं उन पर कब्जा कर लें, वहाँ के पुजारी स्वयं बन जाएं और वहाँ से जो चंदा और वो सब चीज़ें आती हैं जो चढ़ापा चढ़ता है उसको अपने आप रखें, क्योंकि जब वो हमारे पूर्वज तो मंदिर भी हमारे हुए तो अपने मंदिर में पूजा करने का और उसका से जो मिलता है आर्थिक सहायता मिलता है उसको भी रखने का अधिकार हमें होना चाहिए। अयोध्या भी गए थे आप? जी। देखिए जिस तरह से अयोध्या से मैसेज आ रहे थे कि वहाँ मुसलमान भाई जो हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, ओबीसी भाई दलित समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था, तो हमारा जब हमें जानकारी हुई तो हम वहाँ गए और हमने वहाँ के प्रशासन से कहा कि किसी भी सूरत में किसी भी मुस्लिम पे किसी भी दलित पे किसी भी ओबीसी पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, यहाँ सुरक्षा का माहौल मुहैया कराइए, इनको सुरक्षित रखिए, इनके अधिकार सुरक्षित रखिए और अगर ऐसा आप नहीं कर पाते तो आपका होना ना होना प्रशासन बेकार है। लेकिन मायावती लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पर निशाना साधती है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए ये पारिवारिक मामला है, इसमें कुछ भी कहना जो है कुछ बेकार है, परिवार के मामलों को बाहर नहीं लेकर। शुक्रिया, धन्यवाद। आंदोलन अब पूरे देश में चलेगा और अब बड़ा आंदोलन हम लोग दिल्ली में करेंगे, अब आज से शुरुआत होगी क्योंकि खुद में मुजफ्फरनगर क्रांति धरा है तो मुजफ्फरनगर से हमने सिर्फ शुरुआत की है, अब ये आंदोलन पूरे देश में जाएगा और हम सरकार को ताना से सरकार को झुकाने का काम करेंगे। अभी अभी तारीख नहीं करी जी, बुआ जी हैं, पारिवारिक मामला है, बहन जी हैं, देश की सबसे बड़ी बहुजनों की नेता, अगर कुछ कहती हैं वो डांटती है तो हमारा काम है उन्हें सुनने का। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल।